ऋषिवर, मैं नहीं चाहता कि यह क्षेत्र एक बार फिर अग्नि और मानव व्रत के सागर में परिवर्तित हो जाए। मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारा खड़ग एक बार फिर मानव वृक्ष से अपना मुख लाल करे। मैं यह भी जानता हूं कि आप भी यह नहीं चाहते होंगे। मैं ऋषि हूं और ये मेरे विद्यार्थी हैं। अहिंसा मेरा परम धर्म है और मैं उसी धर्म की शिक्षा इन्हें भी दे रहा हूं। अब भी यह कहने की आवश्यकता रह गई है कि हमें रक्त और अग्नि के इस खेल से कितनी घृणा है। यह खेल बंद भी हो सकता है ऋषिवर, मैं युद्ध विराम भी कर सकता हूं, परंतु यदि आप चाहे तो इस रक्तपात को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक छोटा सा कार्य है ऋषिवर, एक छोटी सी बात है, सुशीला मुझे दे दो। तुम ये संदेश पहले भी मुझे भेज चुके हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अपने संदेश के लिए मेरा उत्तर भी तुम्हें मिल चुका होगा। एक पशु एक गाय के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले रहे हो ऋषिवर। प्रश्न एक पशु का नहीं, प्रश्न एक सिद्धांत का है सहस्र अर्जुन। सिद्धांत? कैसा सिद्धांत? सहस्र अर्जुन, हमने अपने पुरखों से जो शिक्षा पाई है और हम अपनी नवयुवक पीढ़ी को जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार जो राजा होता है, जिसके हाथों में सत्ता होती है, उसे स्वयं को प्रजा की संपत्ति और प्राणों का रक्षक सिद्ध करना होता है। उनका स्वामी नहीं, उसके विशेष अधिकार अवश्य होते हैं, किंतु वो प्रजा के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तुम्हारे राजकुमार को यदि सुशीला भाग गई थी तो उन्हें हमसे विनती करनी चाहिए थी, हमसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। विनती? प्रार्थना? ऋषिवर, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये ना तो क्षत्रिय भाषा का अंश है और ना ही बन सकते हैं। स्पष्ट और सरल बात यह है ऋषिवर कि हमारे पुत्रों ने सुशीला की मांग की है और उनकी मांग पूरी करना पिता के नाते हमारा कर्तव्य है। तो फिर तुम भी सुन लो सहस्र अर्जुन, सुशीला मेरी संपत्ति है और अपनी संपत्ति की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। और यह धर्म आप कैसे निभाएंगे ऋषिवर? शस्त्र उठाकर। शस्त्र उठाकर? यह समाचार मैंने भी सुना था ऋषिवर, और सुनकर आश्चर्यचकित रह गया था कि शांति और अहिंसा की शिक्षा देने वाले ऋषि जमदग्नि ने अपने धर्म से विमुख होकर शस्त्र उठाने का निर्णय लिया है। अच्छा, सहस्र अर्जुन, जब ये भ्रम फैलने लगे, ये हिंसा और कायरता दो शब्द हैं किंतु उनका अर्थ एक ही है, तो फिर हिंसा का लक्ष्य बनने वाले हर व्यक्ति हर वर्ग का यह कर्तव्य है कि वो इस भ्रम को दूर कर दे। तो आप मुझ पर आक्रमण करेंगे? नहीं, किंतु यदि तुमने आक्रमण किया तो मैं समस्त शक्ति के साथ आत्मरक्षा अवश्य करूंगा। तो फिर संभलिए ऋषिवर, और क्षत्रिय को ललकारने का परिणाम भी देख लीजिए। मरण रहे सहस्र अर्जुन, जो शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं वो स्वयं युद्ध भी कर सकते हैं। Yeah!
स्वामी, 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 स्वामी। मुझे खेद है ऋषिवर, क्या आप अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या तो अवश्य सिखा सकते हैं, लेकिन इन शस्त्रों का प्रयोग करना आपके वश की बात नहीं। आचार्य होना और बात है, और योद्धा होना और बात। यदि आपने मुझे यह गैया सौंप दी होती तो आपको अपने परिवार और इन शिष्यों के बीच लज्जित ना होना पड़ता। नहीं श्रेष्ठ अर्जुन, नहीं, तुम ये अत्याचार नहीं कर सकते। गाय को खोल कर ले जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। शीला, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। सुशीला, सुशीला। मत करो, मेरे प्राणों की चिंता मत करो, इन्हें वापस मत बुलाओ सुशीला।
सैनिको इस कैया को खोल लो। किला, किला। मेरे प्राणों की चिंता मत करो। छोड़ दो सुशीला को, कहीं नहीं जाएगी। बच्चा वाला बिगा, बच्चा वाला बिगा। छोड़ दो सुशीला को, छोड़ दो। बच्चा वाला बिगा, बच्चा। चलो। वाला बिगा तो रोको। सुशीला। 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 सुशीला, 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 स्वामी, 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 पुत्र, स्वामी, स्वामी क्या हुआ? महादेव, महादेव। स्वामी, स्वामी, परशुराम पुत्र तुम सत्य कहते थे, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, अपितु पुत्र आक्रमण के लिए भी उठाना उचित है। स्वामी, महादेव, स्वामी, महादेव, हो गया है दुष्ट सहस्रार्जुन को, भोली भाली गौ सुशीला को छीन कर ले गया, ये तो घोर पाप है। महादेवी, ये घटना केवल एक गाय को छीनने तक सीमित नहीं है, तनिक ध्यान से देखिए, आज जो कुछ हुआ वो उन घटनाओं का संकेत है जो आने वाले युगों में घटने वाली है। आप तो सत्य के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं कमल नयन, आपकी दृष्टि उस सत्य को देखने में भी सक्षम है जो रहस्य और अज्ञान के अंधेरों में लिपटा रहता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे आने वाले युगों की उन घटनाओं के विषय में नहीं बताएंगे? क्यों नहीं महादेवी, आप तो जगत माता हैं। माता की गोद मानव का सबसे महान शिक्षालय होता है, माता के ही माध्यम से संसार को सत्य का ज्ञान मिलता है। परंतु मेरी दृष्टि जो देख रही है वो कुछ बहुत आनंददायक नहीं है। आप मेरी जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं कमल नयन। महादेवी, महादेवी, मैं देख रहा हूं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा, वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा। मानव अपनी योग्यता के स्थान पर अपने बाहुबल पर अधिक विश्वास करेगा। ये तो बहुत दुखद संभावना है कमल नयन। परंतु सच्ची भी, वो युग आएगा महादेवी, वो युग आएगा जब मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और चिंतन के कठिन मार्ग को छोड़कर ईर्ष्या से प्रेरित छोटे छोटे मार्गों को अपनाएगा, जिससे वो शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तब तो मानव का उत्थान पतन में बदल जाएगा। हाँ महादेवी, श्रम चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा,
क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। और महादेवी, ऐसा व्यक्ति उस लक्ष्य को अधिक समय तक संभाल नहीं पाएगा और ना ही उससे वो उचित लाभ उठा पाएगा जो एक योग्य, ज्ञानी और श्रमशील व्यक्ति उठा पाता। महादेवी, सहस्रार्जुन अपने पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए सुशीला गाय को बलपूर्वक ले तो आया है, परंतु स्वयं सहस्रार्जुन और उसके पुत्र उसके योग्य नहीं है। मैं तो भोली गौ सुशीला के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ। वो पापी हाथों में पड़ गई है। और मेरी चिंता ये है महादेवी कि कहीं सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों की निराशा का कोई बहुत भयंकर परिणाम ना निकले। मेरे राजकुमारों, मेरे पुत्रों, मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तुम्हें ऋषि जमदग्नि की गाय सुशीला भागी थी ना, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि तुम्हारा पिता अपने पुत्रों से कितना प्रेम करता है। मैं सुशीला को ले आया हूं। सुशीला बाहर उपस्थित है, तुम जाकर देख सकते हो। सम्राट सहस्रार्जुन की जय। पिताश्री की जय। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें इतना प्रेमी पिता दिया है। हमें आप पर गर्व है पिताश्री, आपने हमारी हार्दिक इच्छा पूरी कर दी है पिताश्री। ये तो तुम्हारे भाग्य अच्छे थे पुत्रों कि परशुराम अपने पिता से झगड़ा करके आश्रम से कहीं दूर चला गया था, नहीं तो सुशीला को यहां तक लाना इतना सरल नहीं था। तुमने सत्य ही कहा था पुत्रों, सुशीला एक चमत्कारी गाय है। मैं उसके चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका हूं। क्या सुशीला ने आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न की? बाधा? पुत्र, यदि मैंने ऋषि जमदग्नि को अपनी ढाल ना बुला लिया होता तो संभवतः ना मेरी सेना बचती ना मैं। यदि मैंने सुशीला को लाने का वचन ना दिया होता तो मैं ये जोखिम कदापि ना उठाता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पुत्र। सुशीला जैसी चमत्कारी गाय के ना रहने से ऋषि जमदग्नि तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु परशुराम की मुझे अब भी चिंता है। पिता पुत्र के मार्ग अलग हो चुके, अब हमें क्या चिंता? रक्त जल से गाढ़ा होता है पुत्र। इस झगड़े की अवधि पर भरोसा करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। परशुराम बलवान है, उसे जीत पाना बहुत कठिन है। जो रावण को इतने कड़े पैरे से छुड़ा कर ले जा सकता है उसकी शक्ति को कम समझना आत्महत्या करना होगा। मैं अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। हम चारों आपके साथ हैं पिताश्री, और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आपके साथ रहेंगे। तुम चारों का साथ भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा पुत्र, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार परशुराम भार्गवों का कतरत कर रहा है उसी प्रकार मैं भी क्षत्रियों को संगठित करूंगा। क्षत्रिय वंशों ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया है, मैंने कल ही उनकी सभा बुलाई है। चलो भैया, पहले सुशीला के दर्शन तो कर लिए जाए। चलो 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 चलो। स्वामी, स्वामी, क्या है? मुझे ये बताया गया है कि आप ऋषिवर जमदग्नि के आश्रम से सुशीला नामक गौ का अपहरण कर ले आए हैं। आपने ठीक ही सुना महारानी। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है? आप ये क्यों जानना चाहती हैं? मैं भी माता हूँ, गौ भी माता होती है,
क्या एक माता का दूसरी माता के विषय में चिंतित होना अस्वाभाविक है? मैं जानना चाहती हूँ कि सुशीला को अपहरण करने की क्या आवश्यकता थी। सुशीला हमारे पुत्रों को भागी थी महारानी, और उनकी इच्छा थी कि उसे यहां लाया जाए, क्योंकि उस गौ का स्थान राजा का भवन है, ऋषि का आश्रम नहीं। इस कारण हम उसे यहां ले आए। स्वामी, संतान की इच्छा पूरी करना पिता का धर्म है, और मैं समझता हूं कि संतान की इच्छा पूरी हो जाने पर प्रसन्न होना माता का भी धर्म होता है। संतान को उनके अधिकार और कर्तव्य की पहचान कराना उसकी माता और उसके पिता दोनों का धर्म है। संतान को जीवन का वो अनुभव नहीं होता जो माता पिता को होता है। क्या कहना चाहती हैं? स्वामी, संतान की हर इच्छा पूरी करना, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उनके साथ बैर करना है, उन्हें पद भ्रष्ट करना है। वे तो बालक हैं, उनकी बुद्धि और विचार शक्ति अभी भलीभांति विकसित नहीं हुई है, उन्हें तो कुछ भी भा सकता है। वो अच्छा हो या बुरा, उचित हो या अनुचित, उन्हें ये बताना कि उनकी कौन सी मांग उचित है और कौन सी अनुचित आपका और मेरा धर्म है। और मुझे दुख है कि आपने अपना धर्म नहीं निभाया। महारानी, यदि संतान कोई ऐसी इच्छा प्रकट करे जो नैतिक रूप से अनुचित और अमान्य हो, तो माता पिता का कर्तव्य है कि उसे समझाए प्यार से, और नाकाम चले तो दृढ़ता से। सुशीला का अपहरण और ऋषि जमदग्नि पर प्राणलेवा आक्रमण जैसे दो महान पाप आपने किए हैं। स्वामी, कहीं हमारे परिवार को इनका दंड न भोगना पड़े। आप व्यर्थ में अपना समय नष्ट कर रही हैं महारानी, जो होना था वो हो चुका। और मुझे ये भय है महाराज कि जो होना है वो भी होकर रहेगा। अहो भाग्य हमारे जो आपने अपने दर्शन दिए। हमारे राजभवन पधारकर आपने हमें कृतार्थ किया। देवी, आपने जब हमें आश्रम में 56 भोग का स्वाद चखाया था, हमने उसी समय आपकी महानता के समक्ष शीश नवा दिए थे। जिस प्रकार आपने आश्रम में हमारी इच्छा पूरी की थी, ठीक उसी प्रकार आज भी हमारी इच्छा पूरी करने की कृपा करें। हम चारों भाइयों के लिए चार ऐसी सुंदर कन्याएं प्रकट करो जिनका यौवन मदिरा के कलश की तरह छलक रहा हो, जिनके मुख चंद्रमा और केश श्रावण की काली घटाओं के समान हो। परंतु ठहरो, सुरा के बिना सुंदरी का क्या आनंद? हमें ऐसे सुरा कलश ला कर दो जिन्हें पीकर हम संसार के सारे दुख भूल जाएं। इतना विलंब देवी, रेणुका के कहने पर तो आपने पलक झपकते ही स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया था। हाँ देवी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो आज तक हमें अपने राजमहल में भी नहीं मिला। क्या हो गया सुशीला को? तुम हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? कहीं हमारे साथ छल तो नहीं हुआ? कैसा छल बंधुश्री? ये तो सुशीला ज्ञाती नहीं होती। जमदग्नि ने छल किया है हमारे साथ। ये वो गौ नहीं है। अवश्य ही ये कोई साधारण गौ है। ए गौ, हम तुझे अंतिम अवसर देते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर दे, नहीं तो जम्मो दुष्टों, यदि गौ माता को हाथ भी लगाया तो आप लोगों के मृत शरीर धरती पर पड़े दिखाई देंगे। कितने निर्लज्ज और निर्दयी हो तुम लोग, गौ जैसे एक भोले भाले पशु पर अत्याचार कर रहे हो। ये अपना चमत्कार नहीं दिखा रही है। हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रही, हमें वो नहीं दे रही जो हम चाहते हैं। मूर्ख, ये पवित्र गौ है, ये वही भेंट करती है जो पवित्र होता है। तुम दुष्कर्मियों की अपवित्र और अनैतिक इच्छाएं ये पूर्ण नहीं करती। ये तो अपवित्र स्थान पर रहना भी सहन नहीं करती।
मैं तुम्हें इस कर्म का दंड अवश्य देता, परंतु गौ माता सुशीला की उपस्थिति में मैं कोई हिंसक कार्य नहीं करना चाहता। मैं तुम लोगों को अंतिम बार क्षमा कर रहा हूं, ध्यान रहे। चलिए माता, ये स्थान आपके लिए अपवित्र है, चलिए। हम तुझे देंगे परशुराम, इससे पहले कि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे हम चारों को वहां पहुंचना होगा। चलो भाइयों। क्षत्रिय कुलभूषण राय श्री विश्वामित्र को सूचना दीजिए कि क्षत्रिय सम्राट शस्त्रार्जुन उनसे भेंट करना चाहते हैं। पधारिए सम्राट, गुरुवर संध्या वंदन में व्यस्त हैं, मैं अभी जाकर उन्हें सूचित करता हूँ। क्षमा कीजिए गुरुवर। कहो वत्स। गुरुवर, सम्राट सहस्रार्जुन बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें यहां ले आऊं? नहीं, मैं चलता हूं। प्रणाम महाराज ऋषि विश्वरथ। प्रणाम महाराज, तुमने मुझे विश्वरथ के नाम से संबोधित किया है। कदाचित तुम तक यह सूचना नहीं पहुंच सकी कि चरित्र और चोले के साथ ही मेरा नाम भी परिवर्तित हो चुका है। अब यह संसार मुझे महर्षि विश्वामित्र के नाम से पुकारता है। संसार आपको चाहे किसी नाम से भी पुकारे ऋषिवर, आप मेरे लिए कल भी क्षत्रिय कुलोत्पन्न ऋषि विश्वरथ थे और आज भी वही हूं। चरित्र और चोला बदलने से जन्म नहीं बदल जाता ऋषिवर, और आप जन्म से क्षत्रिय हो। वह एक भूली हुई कहानी है सहस्त्रार्जुन, यदि तुम चाहो तो इसे मेरा नया जन्म भी कह सकते हो। अब मैं वह नहीं हूं जो था। विचित्र विडंबना है ऋषिवर, लोग समझते हैं कि चरित्र और वर्ग बदलने से धर्म और संस्कार बदल जाते हैं। परशुराम ब्राह्मण होने के उपरांत अपने आप को क्षत्रियों का पालक समझ रहा है, और आप क्षत्रिय होते हुए भी इस बात का अनुरोध कर रहे हैं, क्या ब्राह्मण है? अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि इस समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मण का है। वह आचार्य होता है, विद्वान होता है, गुरु होता है। अतः तुम अपने आने का कारण बताओ। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं ऋषिवर। कैसा निमंत्रण? आपने तो सुना ही होगा कि जमदग्नि पुत्र परशुराम समस्त भार्गवों को एकत्रित कर रहा है हम क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। हां, मैंने सुना है, और मैंने वो भी सुना है कि जो तुम जैसे तथाकथित क्षत्रियों ने उसके परिवार और समस्त ऋषि समाज के साथ किया है। मैंने जो कुछ भी किया है ऋषिवर, वह क्षत्रिय समाज की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए किया था, और जो कुछ भी करूंगा उसी उद्देश्य के साथ करूंगा। मैं आपको न्योता देने आया ऋषिवर कि आप क्षत्रिय समाज के पुनर्गठन में मेरा सहयोग दें। तो तुम मुझसे जाति के नाम पर सहयोग मांगने आए हो? यही समझ लीजिए ऋषिवर। तब तो मुझे खेद है सहस्रार्जुन कि मैं तुम्हें निराश ही करूंगा। मैं जातिवाद के पक्षपात को
मानव समाज की प्रगति की राह का सबसे बड़ा रोड़ा समझता हूं। हे सहस्त्रार्जुन, तुम्हारे पिता श्री कृतवीर्य एक महान व्यक्ति थे और भगवान दत्तात्रेय ने भी तुम्हें प्रसन्न होकर सहस्त्र बाहुओं का बल दिया था। वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे सहस्त्र बाहु अत्याचार के सहस्त्र द्वार खोल दे। तो आप इस बात से सहमत नहीं है ऋषिवर कि हम क्षत्रियो को अपने बचाव के लिए एक होना चाहिए? तुम आक्रमण को बचाव कहते हो, अत्याचार को आत्मरक्षा समझते हो। नहीं सहस्त्रार्जुन, मैं तुमसे तनिक भी सहमत नहीं। तुम आज किस मुंह से क्षत्रिय एकता की बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने स्वयं 25 क्षत्रिय राजाओं का वध किया था? मेरा तुम्हें यह परामर्श है कि वो डगर छोड़ दो जो विनाश की ओर जाती है। जाओ, चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शीला को लेकर चला गया है और परशुराम उसी को लेने गया है। रेणुका स्वामी, रेणुका स्वामी, मेरे शिष्य और मेरे शेष पुत्र तो घायल नहीं हुए ना रेणुका? आप चिंता ना करें स्वामी, उनके घाव साधारण हैं। मैंने उन्हें विश्राम करने का आदेश भी दे दिया है, वे विश्राम कर रहे होंगे। ईश्वर का धन्यवाद कि आप मूर्छा से बाहर आ गए। आपको मूर्छित देखकर मैं तो घबरा ही गई थी। पहले मूर्छित देखा था, अब मृत देखोगी। तुम्हारे पुत्र परशुराम ने हमारा अपमान किया था। हमारा अपमान किया तो जान लेगा कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या होता है। आओ, आओ सब बोलो। अत्याचार की आंधी चारों ओर छाया है संसार पर अंधकार घनघोर। समझा है
किसको विजय भूलना ए नादा भगवान